है फिर, जैसे कि अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो चैप्टर 5 जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, तो उसी चीज का हम लोग देख रहे हैं। डाउट था, हाँ क्या डाउट क्या था? है एचसी कौन सा चैप्टर? वर्मा 34। अच्छा क्वेश्चन नंबर सो 27। हेलो हेलो हेलो, हाँ इसमें क्या दिक्कत है 27 में? इसमें मैं कुछ और आ रहा √5 और इसमें सिर्फ BI ऐसा दिया हुआ। इसमें दिक्कत क्या हो रहा है? तो एक बार आप सॉल्व कर दीजिए ना। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड डायरेक्शन में है और एक के साथ वैरी कर रहा है, और XY एक्सिस में स्क्वायर लूप ऑफ एज कैरिंग आई इज प्लेस्ड विथ इट्स एज इज पैरेलल टू XY। ठीक है, तो फिर यस नेट मैग्नेटिक फोर्स हमें पूछ रहा है क्या होगा। यस इधर वाई एक्सिस हो गया, इधर एक्स एक्सिस हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लस के एक्सिस की तरफ है, यानी कि डॉटेड होगा ऐसा। यस ठीक है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी नॉट 1 + x/L इंटू के कैप है। हमें बोल रहा है के कैसा जो है स्क्वायर लूप रखा हुआ है पैरेलल टू XY एक्सिस, कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस्ड विथ इट्स एज इज पैरेलल टू XY एक्सिस। ठीक है, ऐसा एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, यस इसका लेंथ L है। ठीक है, करंट I किधर कैरी कर रहा है? ठीक है, नहीं दे रखा है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि आई करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा, तो चारों साइड पे फोर्स निकाल लो। अगर हम इस फर्स्ट फर्स्ट वाले साइड की बात करें तो फोर्स किधर होगा? इधर की तरफ, यस और एक्स इसमें 0 रखेंगे तो सिर्फ बी नॉट के कैप हो गया मैग्नीट्यूड। यस ठीक है, इस वाले लाइन के लिए अगर हम देखेंगे तो आई क्रॉस बी इधर की तरफ फोर्स होगा F3 होगा। यस ठीक है, तो फिर से और ट्राई करिए। ऊपर और नीचे वाले लेंथ के लिए तो हमको लग रहा है कि कैंसल आउट कर जाएगा, यस हो जाएगा अब। ठीक है, सर, और एक फिर डाउट कौन सा? सर, जब जब कॉइल दिया हुआ उसमें अगर हम लोग सेंटर पे फील्ड निकालना है, उसके इसमें सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, तो उसमें एन कैसे फाइंड करेंगे?
क्या चीज दिया है? तो कॉइल है और उसके सेंटर पे हम लोग को लाइक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हाँ और टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट टर्न्स दिया हुआ और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ। हाँ तो कैसे सर तुम लोग फॉर्मूला था ना म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई वो तो अथी के लिए था ना, सोलेनोइड के लिए। अगर सो कॉइल कह रहा है तो हम लोग उसे ऐसा पतला सा ही मानेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एक कॉइल के लिए। यहाँ सेंटर पे कितना आता था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, तो वही चीज यूज करेंगे। एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है। अब एरिया दे रखा है तो एरिया से पाई आर स्क्वायर से आर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जब तक सोलेनोइड नहीं का है यानी टर्न्स का है, हो सकता है कि पतला सा रिंग हो उसी के ऊपर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो। ठीक है, और उसी में 13। थर्टीन हाँ बोल रहा है हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन रीजन PR denotes the unit vector along the radial direction, ठीक है। जीरो जीरो डी पे है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन क्या होता है? सेंटर की तरफ या सेंटर ओरिजिन है ठीक है, ओरिजिन से निकलेगा और रेडियल होगा। जैसे कि अगर हम इस फिगर को बनाए जीरो जीरो डी, जीरो जीरो डी तो ये आ गया सेंटर, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो यहाँ पे ऐसा हमें रिंग मिलेगा। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसा बता रहा है कोनिकल, मतलब इसके रिंग पे जो लगेगा ये ऐसा कोनिकल लगेगा। ठीक है, रेडियल का मतलब हुआ कि यहाँ से ऐसा, अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन से ऐसा आर डायरेक्शन, आर जो वेक्टर हम लोग लिखते हैं ना उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जस्टो ठीक है, ट्राई करना हो जाएगा। जस्टो और कोई इस तरह का फील हाइपोथेटिकल क्यों? जैसे कि अगर हमारा जो वो कहीं से भी अगर कोई सा भी अगर हम लोग मानते हैं तो मैग्नेट जो होता है हमेशा जो है डाइपोल्स में एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर ऐसा कह रहा है तो ये इस पॉइंट से रेडियली चारों तरफ आउटवर्ड जा रहा है तो पॉसिबल नहीं है, अगर निकल रहा है तो जरूर वहां से अंदर भी जा रहा होगा। क्लियर है? क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे नहीं, टर्मिनेट नहीं कर रहा इसलिए हाइपोथेटिकल। हाँ, मतलब सिर्फ हमें दिख रहा है कि एक पॉइंट से निकल रहा है, ओरिजिन से क्या हो रहा है बाहर की तरफ निकल रहा है। आज इन्हीं सब के बारे में चर्चा होगा। सो एक और सो 25 देखिए ना, 25 उसका जो क्वेश्चन नंबर बी है उसमें से टेंशन यूज नहीं करके कंप्रेशन क्यों होता है? हाँ तो बात वही है, इसमें फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, अंदर की तरफ रॉड है चारों तरफ से होगा तो कंप्रेस हो रहा है, रॉड दिख रहा है। हाँ, तो इसीलिए वो कंप्रेशन फोर्स बोल दिया है टेंशन की जगह। टेंशन क्या होता है? खिंचाव होता है तब ना होता है। हाँ तो टेंशन तो वायर पे लग रहा है ना, तो साइड बाय जैसे कि ये रॉड है इसे हम ऐसे खींचेंगे तो बोलते हैं इसमें टेंशन डेवलप हुआ है, और ऐसे अगर हम इस दोनों की तरफ से प्रेस करें तो क्या होगा? कंप्रेशन। तो उसी चीज को बोल रहे कंप्रेशन। ओके और कोई दिक्कत?
नो सर, जो बुकलेट से हो मार्क कर दीजिएगा, बुकलेट अब लगभग पूरा करो ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे मुश्किल से 10 क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो भी नहीं ठीक है। यस, क्लासिकल मैग्नेटिज्म, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और ये बहुत फास्ट फास्ट पढ़ेंगे ठीक है, यानी कि जो कुछ भी इसमें दिया गया है वो सारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट कर रखे हैं, तो डायरेक्टली हम लोग उसी से रिलेट करके फॉर्मूला लिख के चले जाएंगे ठीक है। तो जैसे अगर हम क्लासिकल मैग्नेट, हाँ यस सर ठीक है, तो अगर हम क्लासिकल मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो ये कहानी जो है 4000 वर्ष पूर्व की बात है ठीक है, यानी बहुत साल पहले। क्या था कि एक मैग्नेशिया गांव था, वहां पे एक सेफर्ड था यानी गरेड़िया था, वही अपना जो भी भेड़ बकरी चराने गया हुआ था, तो उसे दिखा कि उसका जो कील लगा हुआ था जूता में उससे ब्लैक ब्लैक कलर का स्टोन्स उससे आके चिपक जा रहे थे, तो उसमें जागरूकता पैदा हुआ और उस पत्थर को खोदने लगा तो देखा कि वो जो है लोहा निकल ये सब जो भी थे उसे अट्रैक्ट करने लगा, तो वही उस पे लोगों ने फिर बात पता चला, लोग आए साइंटिस्ट आए रिसर्च किए और देखे कि वो Fe2O4 3O4 ठीक है, ये चीज का बना हुआ है, मैग्नेटाइट इसका नाम था, और इन्हीं दोनों के नाम पे यानी मैग्नेशिया गांव और मैग्नेटाइट के नाम पे है, उसका नाम पड़ा मैग्नेट ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट, ये दिखा कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसे हम लोग बोले कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शोइंग मटेरियल्स ठीक है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं जैसे कि आयरन निकल ये सब, तो कुछ पार्टिकुलर टाइप के मटेरियल्स को ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो वहां से लोगों ने इसे नाम दिया मैग्नेट और वो कहानी चलने लगा। तो मैग्नेट का कहानी अलग चलता था, करंट का कहानी अलग चलता था, आज के डेट में हम लोग दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, तो वही एक साथ वाला काम तो हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब सिर्फ जो मैग्नेट के बारे में था वो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है। तो जो मैग्नेट का नाम पड़ा वो मैग्नेशिया से आया, ये एक गांव का जगह है अफ्रीका में ठीक है, तो हम लोग को उतना हिस्ट्री में नहीं जाना है। मैग्नेट क्या होता है ये तो हम जानते हैं, मैग्नेट किसे कहेंगे सर, डिफिनेशन लिखे थे क्या बोलेंगे, बोलो तो लिख देते हैं, सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स प्रॉपर्टी है टू अट्रैक्ट, अच्छा मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होगा, मैग्नेट मटेरियल है सॉरी, सबस्टांस विच अट्रैक्ट मटेरियल्स शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ठीक है। एग्जाम्पल में इसका जो है मटेरियल्स का एग्जाम्पल आयरन निकल कोबाल्ट और जो भी मेटल को अट्रैक्ट करता हो, यह सारे चीज को यह अट्रैक्ट करता है, ये हम लोग बचपन से जानते हैं कि अगर किसी मैग्नेट को अगर हम लोग कोई भी आयरन के टुकड़े के पास ले जाएं तो उससे अट्रैक्ट करता है ठीक है। अब ये जो मैग्नेट है इसका स्ट्रेंथ को हम लोग पोल स्ट्रेंथ के टर्म में लिखते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ ठीक है ऑफ अ मैग्नेटिक पोल, तो पोल स्ट्रेंथ जो होता है
ठीक है, पोल स्ट्रेंथ जो होता है इसका यूनिट जो होता है, यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर, ठीक है, एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग एम्पियर मीटर में मेजर करते हैं कि किसी भी पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होगा वो एम्पियर इनटू मीटर होगा, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग दो तरीके से, यानी कि एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से, कि ये स्मॉल एम जो रिप्रेजेंट करता है ये पोल स्ट्रेंथ होता है। और हम लोग इससे, जैसा कि पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही इसे हम लोग दो पोल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी टाइप्स की अगर हम बात करें तो बोलते हैं कि एक नॉर्थ पोल होगा और एक जो होगा वो साउथ पोल होगा, ठीक है। नॉर्थ पोल जो है जैसा पॉजिटिव चार्ज होता है उस तरीके से बिहेव होगा, साउथ पोल जो है जैसा निगेटिव चार्ज होता है वैसा हम लोग बिहेवियर मानेंगे। यानी कि इसे कभी कभी MN लिख देते हैं और इसे MS। M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहने का मतलब यही होगा कि जैसे हम लोग चार्ज बोलते थे, चार्ज का एक वैल्यू होता था, कूलम में लिखते थे, तो वही चीज यहाँ पे हमारा पोल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बोल रहे हैं नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, तो दोनों को अगर हम एम से लिख रहे हैं, यानी कि हम दो चार्जेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दो चार्ज होगा नहीं, प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है, लेकिन हम लोग वैसा ट्रीट करके सारा काम कर सकते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ को हम लोग एम से लिखते हैं और ये होता है यूनिट जो होता है एम्पियर मीटर। मेजरमेंट के लिए यूज हो फिजिकल क्वांटिटी सिमिलर टू चार्ज, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं इट इज मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक पोल। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उस चीज का ये मेजर को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसा हम लोग बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऐसे बाहर की तरफ ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और वही निगेटिव चार्ज रहे तो निगेटिव चार्ज पे हम लोग देखे थे कि ऐसा हम लोग फील्ड लाइन्स ड्रॉ किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है इसकी तरफ आके टर्मिनेट होते हैं। तो वैसे ही अगर हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे हम चल के बोलेंगे कि ये जो पोल होता है वो हमेशा डाई में, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करेगा, साउथ नॉर्थ साथ साथ एग्जिस्ट करेगा, हमेशा एक पोल हम लोग कभी नहीं एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा। यानी कि सिर्फ अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो कहीं नहीं मिलेगा, कभी अगर सिर्फ साउथ पोल की बात करें तो भी हमें अकेला नहीं मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये MN है, यानी कि नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ नॉर्थ पोल से ऐसा ओरिजिनेट होता हुआ, यानी कि बाहर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम बोलें कि एम साउथ, तो उससे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा बाहर की तरफ, बाहर से इसकी तरफ आता हुआ दिखेगा, ठीक है। यानी कि हम नॉर्थ को पॉजिटिव चार्ज की तरह एंड साउथ को नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा ये हाइपोथेटिकल है कि हम अलग अलग बनाए हुए हैं नॉर्थ पोल का और मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड एंड साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसा क्यों, हाइपोथेटिकल क्यों, ठीक है, हाइपोथेटिकल क्यों, तो बिकॉज मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल्स, ठीक है, हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों साथ साथ रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि हम नॉर्थ को सेपरेट कर दें साउथ से,
ठीक है, यानी नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे से हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं वो भी हम लोग कुछ देर में समझ जाएंगे। इतना बात क्लियर है? यस yes. ठीक है, इसमें हम लोग कूलम्स लॉ भी यूज कर लेते हैं। ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, कूलम्स लॉ क्या था? ठीक है, दो चार्जेस अगर कुछ दूरी पे सेपरेट हो तो जो फोर्स था वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे क्या, के एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। के क्या है तो कांस्टेंट है, ठीक है, के यहाँ क्या है? हाँ, सो कौन सा वो परमिबिलिटी और परमिटिविटी वाला यहाँ पे मैग्नेटिक है तो क्या आएगा? मी नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, म्यू बाई 4 पाई। ठीक है, अगर फ्री स्पेस रहा तो म्यू नॉट हो जाएगा, बाकी किसी कोई और मीडियम रहा तो क्या रहेगा? म्यू। यस सर, ठीक है, म्यू क्या है, परमिटिविटी या परमियबिलिटी? ठीक परमिबिलिटी, है, सब अब मीडियम परमिबिलिटी। है, हाँ, इसे म्यू आर लिख सकते हैं हम लोग, म्यू इज इक्वल टू म्यू यस नॉट इनटू सर, म्यू आर। ठीक है, सारा चीज टर्म्स हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे हम लिख नहीं रहे। म्यू नॉट का वैल्यू पता ही है, यस सर, फोर पाई यस इंटू पाई माइनस सेवन 10 to the power न्यूटन मीटर, minus यही होता है। तो ये चीज हम लोग जानते हैं तो इसलिए डायरेक्ट लिखते चल रहे हैं। कूलम्स लॉ में जैसे के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर यूज करते थे, यहाँ पे के एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर यूज कर रहे हैं। ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू पता है, अगर पूरा फ्री स्पेस में देगा तो यहाँ पे हम म्यू की जगह म्यू नॉट रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम अट्रैक्शन रिपल्सन की बात करें तो एम वन और एम टू दोनों अगर सेम टाइप के रहेंगे तो क्या होगा, लाइक पोल्स रहेंगे तो? रिपेल होगा। ठीक है, तो सेम वैसा ही है, अगर लाइक पोल्स रहा तो रिपल्सन होगा, अनलाइक रहा तो अट्रैक्शन, अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्शन ना। साउथ और नॉर्थ एक साथ लाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। यस नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्शन, रहेगा तो क्या होगा? रिपल्शन। ठीक है, ये चीज है। तो यहां से हम लोग को दिख रहा है दिस सेकेंड कि जो हमारा फोर्स है वो क्या आ रहा है, म्यू, अगर ए फ्री एयर की बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस की, अगर मीडियम फ्री स्पेस है यानी वैक्यूम है तो इस केस में हम एफ बोल सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही है, म्यू आर जो होता है फ्री स्पेस के लिए वन होता है। थर्ड, हो सकता है कि हमें किसी रीजन में बोल दे कि कोई रीजन है इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, हमें बोल रहा है कि इधर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर हम कोई एक पोल रखे हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पोल रखे हैं एम एन बोल रहे हैं, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत, और वो यस फोर्स कितना होगा, सर, एम एन इंटू बी। वही अगर हम एम एस रखे हो तो इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट लगेगा। डायरेक्शन, ठीक है, एम एस इंटू बी। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि एम एन एम एस हिसाब से हम लोग रिलेटेड देख रहे हैं। ठीक है, और हम एम एन यानी नॉर्थ पोल को पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर रहे हैं एंड साउथ पोल को निगेटिव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक इंडक्शन
या फिर फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक पोल, क्या कहेंगे बताओ? जैसे अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक पोल एम है, ठीक है, नॉर्थ मानते हैं इसे, एम एन लिख रहे हैं यानी कि नॉर्थ पोल है। यहां से अगर हम आर दूरी पे, यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो एम एन पॉजिटिव चार्ज की तरह है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, yes. ठीक है, और बी का वैल्यू क्या होगा, एफ बाई फोर्स बाई टेस्ट चार्ज लिखते थे, तो यहाँ फोर्स बाई टेस्ट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? So, K, M1 by, R square. यही होगा। हाँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? No. ठीक है, यहाँ पे अगर हम M नॉट टेस्ट टेस्ट पोल है, तो इस पे फोर्स F लग रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हम बोल सकते हैं कि बी एफ, बी जो होगा एफ बाई एम नॉट होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, इतना होगा, ठीक है, यानी कि हम सिमिलर वैसे ही ट्रीट करते हुए चल रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने अभी तक दो चार्जेस को देखा था, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ लागे थे तो रिपेल होता था, यहाँ पे भी अगर लाइक पोल्स को साथ लाएंगे तो रिपल्सन होगा, अनलाइक पोल्स को साथ लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। फोर्स का फॉर्मूला सेम आ रहा है, के की वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर था, यहाँ के एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पोल स्ट्रेंथ रखा है तो फोर्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर मान लेते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक पोल है तो वहां से किसी दूरी पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड रखा जाए, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वैसे लगा के हम लोग इसे भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? यस। ठीक है, टाइप ऑफ मैग्नेट्स में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट शेप के ऊपर अलग अलग नाम है, तो एक बार मैग्नेट होता है, एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है, या यू शेप मैग्नेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो होता है, बार का शेप का होता है एक, ठीक है, इसमें एक पोल जो रिप्रेजेंट करता है वो नॉर्थ पोल है, एक पोल जो रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल। इसमें हम लोग जानते हैं, बचपन में पढ़े थे, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं बाहर में ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, और अंदर में अगर बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऐसा था। yes, तो ये जो है बार मैग्नेट है, रॉड से टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो इसलिए हम लोग बार बोलते हैं, ये शेप की वजह से मैग्नेट है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। इसका जो स्ट्रेंथ होता है मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पे बोल रहे हैं स्ट्रेंथ पोल पे क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है, यस सर, ठीक है। तो यहां से हम लोग धीरे धीरे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी भी सीख रहे हैं। ध्यान से देखो तो क्या सीखे, पहला कि ये जो है क्लोज लाइन फॉर्म कर सकता है, जो नॉर्थ पोल यानी पॉजिटिव है उससे हमें बाहर निकलता हुआ दिखेगा और साउथ से अंदर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में जो है साउथ से नॉर्थ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बाहर में कहेंगे तो नॉर्थ से ही निकलेगा और साउथ पे टर्मिनेट होगा। दूसरी बात, ये क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है। अब फील्ड लाइंस हम लोग ये जानते हैं कि फील्ड लाइंस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो उस पॉइंट पे उस फील्ड का डायरेक्शन देता है, ठीक है।
ये सारे बहुत कुछ हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस में सीखे थे, वो चीजें यूज होगा। अब यहाँ पे आते हैं कि प्रॉपर्टी आता कहाँ से। हाँ सो ओपन स्पेस में भी ये सर्कुलर लूप बना सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो स्पेस रहेगा, फ्री स्पेस रहेगा, वहां भी तो प्रोड्यूस करेगा ही, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उसके मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वैक्यूम में रहेगा तब भी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैक्यूम में प्रोड्यूस नहीं रहा था। जी सर, अगर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दे तो उससे बोलेंगे नेगेटिव फील्ड है तो करेक्ट होगा। क्या सो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, कहाँ सर्कल पे? यहाँ सर कहीं भी। हाँ सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मे भी हो सकता है, अगर सो ऐसा मे बी बार टू करंट कैरिंग ए वायर था, इसके अबाउट में मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? सर्कुलर था। तो वही है, यस ठीक है। यस अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जो मैग्नेट है या मैग्नेटिक शो करने वाले जो भी मटेरियल हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, क्लासिकल मैग्नेट बोलते हैं या फिर नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, फिर इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा यह जाता है कि ये मैग्नेट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसका डिस्कस करने के लिए हम लोग अगर एटॉमिक लेवल पे देखें, ठीक है, यानी कि हाउ अ बार मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा इसके बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोई बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, तो जैसे कि अगर हम मान ले कि ये हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, एटम के अबाउट में अगर मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, सिर्फ हम एक एटम को लेके चल रहे हैं, इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा ऑर्बिट कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो चार्ज अपॉन टाइम पीरियड करते हैं तो करंट आता है और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, पढ़े थे, ठीक है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्विंग अराउंड, अच्छा न्यूक्लियस के अराउंड घूमते, सॉरी, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है, इस न्यूक्लियस के अराउंड अगर घूम रहा है तो हम जानते हैं कि इसके अबाउट में करंट होगा, और हम ये भी जानते हैं करंट कॉइल जो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये जो एटम के न्यूक्लियस के अबाउट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये भी क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं कि एक जो एटम है उसमें जो फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये सिर्फ एक एटम पे है, ऐसे से तो बहुत सारे एटम्स होंगे, अगर कोई भी एक मटेरियल की बात करेंगे तो उसमें एक ही एटम तो नहीं रहेगा। मान लेते हैं कि अगर हम 1 मोल सबस्टांस भी लिए हो तो उसमें 10^23 का ऑर्डर का एटम्स होंगे, न्यूक्लियस होंगे, और उसमें उतने हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, यानी कि उतने का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा, ठीक है। यानी कि हर एक एटम, किसी भी एटम की बात करेंगे तो वो एटम से हमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है
न्यूक्लियस के अबाउट में घूम रहे होंगे। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 10 एवरी इलेक्ट्रॉन, एवरी इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हैं, एवरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एवरी एटम विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके अबाउट में एक नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा और सबका एड होके हमें एक ओवरऑल मटेरियल का कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो यहीं से आप बताओ कि इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि वाई मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल्स। दे सकते हैं, हम यहाँ पे एक एटम की बात कर रहे हैं और एक एटम से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा वो भी हमारे करंट कैरिंग क्वाइल की तरह होगा, यानी कि उसमें भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होगा। अगर हमारे पास इतना बड़ा सा बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ है, इसे अगर हम बीच से ऐसे कट कर दें, ठीक है, इसके अबाउट अगर हम कट कर दिए तो हमें ऐसे दो टुकड़े मिलेंगे, इधर नॉर्थ और इधर साउथ रह जाएगा क्या? यहाँ पे एक yes, नया sir. साउथ और इधर नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसे कितना भी छोटा कर दे हमेशा नॉर्थ साउथ साथ रहेगा, क्योंकि इसमें भी तो एटम्स थे, ओवरऑल ये एटम्स का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम कितना भी छोटा कट करते जाएं वो तो एटम तो रहेगा ही, हम एटम को तो काट नहीं सकते हैं, तो एटम को काट नहीं सकते हैं, तो अगर एक भी एटम रहा तो उसमें भी जो है हमारा जो ऐसा न्यूक्लियस था इसके अबाउट में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इसके अबाउट हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, अगर हम इतना छोटा कर दे तब भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से वो बोला जाता है कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा क्या करेंगे, डाइपोल में एग्जिस्ट करेंगे। डाइपोल कहने का मतलब हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखें, ठीक है, माइक्रोस्कोप के पीक लेवल है कि अंदर हम एटम्स को देख रहे हैं मान लेते हैं, तो हमें क्या दिखेगा कि हर एटम में ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का एटम के अबाउट का हम बना रहे हैं, मान लेते हैं कि सब जो एड अप होके इधर की तरफ नॉर्थ दिखा रहा है सब में, ठीक है, तो सब में इधर साउथ दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल हमें ऐसा कुछ जो है प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है, ये तो बाहर का हो गया, अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो अंदर भी हमें यहाँ नॉर्थ टू साउथ दिख रहा है, तो ऐसा हमें जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो हम जानते हैं नॉर्थ से निकलता है साउथ को टर्मिनेट होता है, तो इसी रीजन की वजह से हमें दिख रहा है कि इस इन पे नॉर्थ ओवरऑल और इस इन पे साउथ, और अंदर में जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड साउथ। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सभी मैग्नेटिक शो करेंगे। थोड़ा
हैं और तो रिवॉल्व रेस्ट में नहीं है सर, अभी भी कट रहा है थोड़ा थोड़ा। सर हेलो का बस ओ सुनाई दिया। हेलो सर, जैसे हम बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो कैसा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, कुछ स्पिन टाइप का हम लोग पढ़ देते हैं, स्पिन में है, ठीक है, एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेगा, भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इस सब को देखना पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। सर जो बोर मैग्नेटो निकलता, हाँ, तो स्पिन तो वो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन से निकालते, हाँ हाँ, तो वो भी मैग्नेटिज्म से होता है, सर नहीं सर कुछ करता है, ठीक है, तो रिवर्स सर आवाज कट जा रहा पीछे सर, एकदम नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज्यादा आवाज कट रहा है आपका। हेलो यस, ठीक है, ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक एटम की बात करेंगे और रिवॉल्व कर रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है ओवरऑल जब हमारा एलिमेंट बनता है, कोई भी मटेरियल बनता है, तो उसमें कुछ का जो मतलब रिवोल्यूशन का ओरिएंटेशन होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का देखें तो अपोजिट होता है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। हेलो आवाज आ रहा है? यस सर, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। सो तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, पेयर्ड में ओरिएंटेशन कैसा होता है, अब उसमें रिवोल्यूशन में कमेंट में देख लेना, ठीक है, जैसे कि अगर हम एटम, एक एटम की बात करेंगे उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एलिमेंट बना रहे हैं तो उसमें कैसा हो रहा है, तो ओवरऑल जितने भी आ रहे हैं अगर सारे एक डायरेक्शन में आएंगे तो एडअप होके मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होगा तो कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो उस जो भी मटेरियल है, जो भी एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है, और जो स्पिन वाला है तो केमिस्ट्री में है उतना कुछ हमको भी आइडिया नहीं है कैसे क्या होता है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखते थे हमको याद है बॉक्स में बनाकर, तो क्या होता है ध्यान में, वैसे था ना, yes, sir. स्पिन क्वांटम नंबर ऐसा कुछ कुछ पढ़े थे, ठीक है, तो वही चीज बोर मैग्नेटो था, बोर मैग्नेटो अब जो भी था, ठीक है, वो केमिस्ट्री में है तो उसके बारे में हमको उतना ध्यान नहीं है कि कैसे क्या इलेक्ट्रॉन को हम लोग पेयरिंग करते थे क्या करते थे, यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और सारे इलेक्ट्रॉन एक ओरिएंटेशन में है तो सबका मैग्नेटिक फील्ड एड अप होकर हमें ओवरऑल एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि सारे का एक ओरिएंटेशन में तो एक तरफ साउथ की तरफ एक तरफ नॉर्थ की तरफ ट्रीट हो रहा है, कैसे, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइजेशन वाला बात पढ़े थे, उसमें अगर हम किसी मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो ऐसा ही कुछ जो प्लस एक तरफ हो जाता था माइनस एक तरफ हो जाता था, लेकिन बीच में भी प्लस माइनस था, तो वैसा ही यहाँ पे हमें मिलता है, तो हम लोग बोलते हैं एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है और बीच में ऐसा है, अगर हम इसे कितने भी टुकड़े करते जाएं तो हमें ऐसा ओरिएंटेशन यानी इस तरह के मोनोपोल्स नहीं मिलेंगे, एक नॉर्थ अलग कर ले ऐसा नहीं होगा, हमेशा नॉर्थ साउथ दोनों साथ साथ मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है,
ठीक है? यस सर, यस ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़े थे एक बार सर? यस सर, ये सब नहीं पढ़े थे सर? पढ़ना क्या था? सब काफी बड़े चैप्टर थे, तो पढ़ना क्या था? पूरा ही थ्योरेटिकल ही है, पढ़ना था चैप्टर 5 पूरा सर, आधा पढ़े स्टार्टिंग से। तो हमको लगा सर हमको स्पर्ट मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए बोले थे, ठीक है, वो बोले थे कि उसमें थोड़ा थ्री डी यूज है, तो अगर सब ध्यान में रहे। ठीक है, इसमें हम लोग मान सकते हैं कि वो करंट कैरिंग कॉइल जैसा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और सबका एडिशन होके हो रहा है, इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम इसका मोनोपोल, ये जो हमारा कोई भी मैग्नेटिक मेटल होता है ये मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा नॉर्थ साउथ साथ साथ रहेगा। ठीक है इतना? यस सर, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। तो जैसे कि ये हमारा बार है, बार मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इसके बीच का ये दूरी डी बोल रहे हैं और ये एल है। तो मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट हम लोग अगर एम से लिखते हैं या फिर म्यू से लिखते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, क्या होगा बताओ तुम लोग इसका आंसर? एम इनटू डी, एम एन डी, एम एन या एम एस? एम इनटू डी में मैग्नीट्यूड से मॉड में रहेगा, तो एम इनटू डी होगा, ठीक है। एम एन यहाँ पे और एम एस जो होता है वो दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्थ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ माने थे ना, निगेटिव चार्ज, निगेटिव जैसा कौन बिहेव कर रहा है? साउथ, साउथ, ठीक है। यहाँ पे जो है डी को हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक लेंथ है, ठीक है, और एल जो है लेंथ ऑफ बार, जो भी बार हमें मिल रहा है वो लेंथ है, तो एम इंटू डी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेंथ जो होता है एल एम, वो जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ये जी अगर लिख दें तो एल जी हम बोल रहे हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है, डी मैग्नेटिक लेंथ, या कहीं कहीं एल एम यूज करा जाता है, तो जो भी यूज हो। यहाँ से हम लोग एक्सपेरिमेंटली पाया जाता है कि ये जो डी है ये लेस देन एल जी होता है, रियलिटी में अगर हम लोग देखें तो डी जो होता है एल जी से कम होता है, यानी मैग्नेटिक लेंथ जो होता है उसका ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा छोटा होता है, और इन दोनों का रेशियो जो आता है ये अप्रोक्सीमेटली 0.84 आता है,
ठीक है, यानी डी जो है ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो लेंथ 0.84। जब तक नहीं कहा जाता है तब तक हम लोग दोनों को सेमी एज्यूम करते हैं, लेकिन अगर बोल रहा है तो छोटा हम लोग मानते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ जो है उसका ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होगा। दोनों का फ्रैक्शन दिख रहा है कि 0.84 आ रहा है। क्लियर है इतना? Yes. Yes, sir. ये जैसे तो हम लोग देख लिए कि अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना लिखेंगे, तो एम इंटू डी लिख सकते हैं। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख लिए तो क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड कर सकते हैं? Yes, sir. Yes. ड्यू टू बार मैग्नेट, ठीक है। तो सिर्फ फॉर्मूला बताते जाओ, ये हमारा बार मैग्नेट है, लेट्स से ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्सियल, एक्सियल और करना ही होगा, और कोई इस पॉइंट पे कितना होगा बताओ? माइनस 2 kp by r cube होता था, तो क्या लिखेंगे? 2 km by r cube। यहाँ पे ध्यान रहे के क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 pi, ठीक है, फ्री स्पेस है तो मीडियम है तो म्यू बाई 4 pi। इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें तो माइनस के एम बाई आर, ठीक है। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा सेम वैसा ही, यहाँ पे जो हम लोग डाइपोल पढ़े थे एक माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज, वही वाला हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे क्या आता था, केपी बाई आर क्यू, केपी बाई आर क्यू, ठीक है। यानी कि ये एक्सियल पोजीशन पे, ये इक्विटोरियल पोजीशन पे, किसी आर्बिट्री पोजीशन पे हम पता कर सकते हैं? यस सर। ये थीटा ये आर दूरी हो तो इस पॉइंट पे अगर पॉइंट पी है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कैसे लिखेंगे? इस दो डायरेक्शन में तोड़ लेंगे, बी वन है बी टू में, B1 क्या लिखेंगे? बोलो M cos थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में हमें M दिख रहा है तो उधर की तरफ क्या होगा, M cos थीटा। तो M cos थीटा के लिए कौन सा पोजीशन है? एक्सियल, यानी 2 km cos theta by r cube। एंड b2 लिखना हो तो माइनस km sin theta by, डायरेक्शन दिखा दिए इसमें माइनस नहीं लिखते, लिख सकते हो? यस सर। ठीक है, कोई अगर बुक में देखोगे तो हो सकता है कि टेबल बना के दे दे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो तुम लोग भी चाहो तो एक अपना टेबल बना लेना। डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे कि मैग्नेटिक डाइपोल है, बार मैग्नेट के लिए कह रहे हैं, तो दोनों सेम फॉर्मूला आ रहा है, सेम फॉर्मूला आता है, सब कुछ सेम तरीके से निकाल सकते हैं। कितना बात में कोई दिक्कत? No. ठीक है, अगर हम इस बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स कितना लगेगा? M into B d by d। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म है
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये बी है। इसमें हम ऐसा एक बार मैग्नेट रख दिए हैं, लेट्स से ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो। F नेट जीरो। साउथ पोल है, साउथ पे हमें इधर की तरफ फोर्स लगता हुआ दिखेगा कितना? एम इंटू बी। नॉर्थ है, नॉर्थ पे इधर की तरफ फोर्स लगता हुआ दिखेगा कितना? एम इंटू बी। दोनों का जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, एफ नेट हमें दिख रहा है जीरो। टॉर्क नेट जीरो होगा क्या? नहीं होगा। तो टॉर्क कितना लग रहा होगा? टू एम बी बाय आर एल बी। एम क्रॉस बी। यस सर। हाँ। टॉर्क क्या होता था? पी क्रॉस सी होता था। यस सर। तो यहाँ क्या आएगा? एम क्रॉस बी। अब कुछ दिन इसमें भी हम लोग देखे थे कि जो आता है वो क्या आता है? एम क्रॉस बी। यस सर। ये एम ओ ने कैपिटल एम लिखना पड़ेगा। यहाँ कैपिटल एम क्या है? मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यानी एम इनटू डी। टॉर्क हो गया। एनर्जी एम डॉट बी माइनस माइनस एम डॉट बी, यही होगा बी। यस, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोग वहां से रिलेट करके सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो क्या होगा? नॉन मैग्नेटिक, अच्छा नॉन मैग्नेटिक बोल, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब फोर्स कितना लगेगा बताओ? एम इनटू डी बाय डी। डाइपोल को अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो क्या फोर्स लगता था? एफ ऑफ एक्स लिखते थे पी डी बाय डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे? एम डी डीवी बाय डी एक्स। Yes, sir. याद है, लिख देते हैं ना, ठीक है। तो वहां से हम लोग ये चीज लिख के देख सकते हैं। इतना बात में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे कहेंगे? मैग्नेटिक लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेचुरल रीजन, ठीक है। डेफिनेशन इसका लिख लोगे, ठीक है, क्या इमेजिनरी लाइंस नहीं होते हैं आप? हेलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस नहीं होते हैं, रियल लाइंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लाइंस जो होते हैं रियली में दिखते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि ये इमेजिनरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ये इमेजिनरी नहीं होता, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे? क्लोज लूप फॉर्म कर सकते हैं, इमर्जेंट कहाँ से होगा? At north and turn it at south pole outside the magnet. तो हम ऐसे ही फिगर बना के लिख दे रहे हैं कि नॉर्थ पोल है तो यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, टेंथ क्लास में भी था। साउथ पोल है तो इस पे टर्मिनेट होता दिखेगा, ठीक है। एंड इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन किधर होता है? तो साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ
एंड आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, इन सब पॉइंट्स में हमें बचपन से जानते हैं इसलिए हम लिखते जा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं. कैन फॉर्म क्लोज लूप. यस सर. यस. ठीक है, क्लोज लूप जो है फॉर्म कर सकता है. थर्ड, इंटरसेक्ट कर सकता है क्या? नो सर. नो सर. नेवर क्रॉसेस ईच अदर. क्यों नहीं कर सकता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है इसलिए. ठीक है, सेम रीजन है. और क्या बोल सकते इसके लिए? सब तो डेफिनेशन में ही आ जाएगा. स्ट्रेंथ क्या होगा? ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे वहां का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा. ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो हैं वो देखें ही. यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या क्या है? एक तो ये कि ये रियल लाइंस होते हैं, यानी कि इसे देखा जा सकता है. जो हम लोग आयरन फिलिंग्स रखते हैं तो उसके अराउंड खुद को अरेंज कर लेते हैं तो बोला जाता है कि ये रियली में है, इसलिए यहाँ पे हमें दिख रहा है. दूसरा बात कि जो ये लाइंस हैं इट कैन फॉर्म क्लोज लूप. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थे वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते थे, लेकिन ये क्लोज लूप फॉर्म करता है. इसलिए क्लोज लूप फॉर्म करता है क्योंकि ये कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करता है. क्लियर है? अब आते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म. सो हाँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं हाइपोथेटिकली? इंटरसेक्ट दोनों अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है. एक पॉइंट पे तो एग्जिस्ट कर ही सकता है तो बोल सकते yes. हैं. ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत अभी तक जो भी पढ़े? प्रभाष चल रहा है ये हम भी मान रहे हैं क्योंकि ये पहले का जो चीज पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड सब कुछ था. ठीक है, जो फॉर्मूला था डायरेक्ट डेरिवेशन करके हम लोग फालतू में टाइम नहीं बर्बाद किए हैं, आदना भी नहीं है, कहीं कहीं पूछा भी नहीं जाता है इसलिए. इतना बात में किसी को दिक्कत? नो सर. नो सर. देवांशु? यस सर. डाइपोल तो याद होगा नहीं, ये भी नहीं आया होगा समझ? सर याद है. सब क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, ठीक है. टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या फिर अर्थ मैग्नेटिज्म इसी चीज को बोलते हैं. अर्थ जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये चीज हम लोग जानते हैं और उसी चीज को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म. एंड इसका मैग्नेटिक फील्ड को जियो मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. yes. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सुन भाई. ठीक है, अर्थ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसलिए अर्थ. ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इज कॉल्ड जियो मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं जियो मैग्नेटिक फील्ड. रीजन क्या होता है इसका? में कुछ मेटल्स रहता है उनके बीच के इंटरेक्शन.
ठीक है, पुराने जमाने में कहा जाता था कि एक बार मैग्नेट है अंदर में पड़ा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो इसका आउटर कोर होता है, मोल्टेन मेटल्स पाए जाते हैं, मोल्टेन मेटल्स इन आउटर कोर, ठीक है, मोल्टेन मेटल जो है आउटर कोर में है। और अगर हम जानते हैं कि अर्थ जो होता है रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व कर रहा है यानी कि इसमें जो आयंस हैं वो भी रिवॉल्व कर रहे होंगे। यस सर, ठीक है, मोल्टेन मेटल है यानी कि उसमें कुछ आयंस होंगे। अब वो आयंस है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर आयंस रिवॉल्व कर रहे हैं यानी कि यहां से हमें करंट दिख रहा है, ठीक है, करंट सेम एज क्वाइल, सेम एज सकते हैं सर्कुलर क्वाइल दिख रहा है। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड भी दिखेगा, ठीक है। तो रीजन एक आ जाता है कि अर्थ के अंदर जो आउटर कोर है उसमें मोल्टेन मेटल्स पाए जाते हैं, मोल्टेन है यानी कि उसमें आयंस होंगे। अब वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ साथ जो आयंस वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ करंट प्रोड्यूस कर रहा है, और उसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पता चल, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा उसे हम बोलते हैं टेरेस्टोरियल मैग्नेटिज्म, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम लोग बोल रहे हैं जियो मैग्नेटिक फील्ड। इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसके बाद आता है हार्ड पार्ट, और वो है फिगर बनाना। सर हम लोग अगर कोई मेटल लेके हवा में एक स्ट्रेट लाइन में मूव करें तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सर कोई भी एक मेटल लेके छोटा सा उसमें अगर स्पेस में मूव करा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मेटल अपने सॉलिड स्टेट में रहेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा, तो आयन रहता है उसमें सॉलिड। हाँ, सॉलिड रहेगा तो अगर जैसे कि है कि उसमें अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा बताओ। अगर हम उस पे चार्ज, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है कोई भी मटेरियल, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब अगर हम मान लेते हैं उस पे चार्ज दे दे रॉड पे, उसके बाद घुमाएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा? नो सर, चार्ज दे दिए हैं हम उस पे, उसके बाद घुमा रहे हैं। हाँ, हो जाएगा, होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। यस सर, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, गोलाकार है। अर्थ में ये दो लाइंस शो कर रखे हैं हमने, ठीक है। तो इस एक्सिस को हम बोल रहे हैं रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्सिस है हमारा, ये हम बोल रहे हैं ये मैग्नेटिक एक्सिस है। सर मैग्नेटिक एक्सिस तो लेफ्ट पर रहता है ना, किसका माने एनसीईआरटी में लेफ्ट दे रखा है, किसी किसी बुक में राइट दे रखा है, ठीक है। बस इतना कहा जाता है कि ये जो है 11 डिग्री पे टिल्टेड रहता है। अब किधर रहे, किसी किसी बुक में देखोगे तो ये जो रोटेशनल एक्सिस है उसे थोड़ा टेढ़ा सा बनाया हुआ रहता है, ठीक है। यस, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक एक्सिस है या रोटेशनल एक्सिस है, तो रोटेशनल एक्सिस जो है यहाँ से एंगल थीटा, थीटा जो होता है 11 डिग्री के अप्रोक्स होता है, एनसीईआरटी में 11.3 डिग्री दे रखा है, ठीक है। कहीं कहीं पे 11 डिग्री बोला जाता है, 11.3 डिग्री, और ये जो है बहुत टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, ये रोटेशनल एक्सिस।
अगर हम इस पोल की बात करें तो ये कौन सा पोल होगा अर्थ का? ज्योग्राफिक नॉर्थ कौन सा? जियोमेट्रिकल नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये जो होगा इसे हम बोलेंगे जियोमेट्रिकल साउथ पोल, साउथ पोल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड ज्योमेट्रिकल साउथ। ये जो पोल है इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इसे बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। यानी कि जो अर्थ मैग्नेट है उसमें अगर हम लोग ऐसा रखते हैं तो ये वाला अगर हम बार की तरह ट्रीट करते हैं तो जो अपर एंड है ये हमें साउथ पोल की तरह ट्रीट होगा, और नीचे वाला जो एंड है वो कैसा नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट होता है। भले ही बोल रहे हो मैग्नेटिक नॉर्थ है लेकिन वो ट्रीट कैसा होता है साउथ की जगह। हम लोग और बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, ठीक है। नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल इसलिए क्योंकि अगर हम लोग कंपास अगर फ्रीली टांगते हैं तो उसका नॉर्थ पोल जो है ऊपर की तरफ दिखाता है, इसलिए नॉर्थ सीकिंग पोल। अब कंपास जो है यानी कि अगर हम ये बोल रहे हैं मैग्नेटिक कंपास है, अगर ऐसा टांगे हैं तो ये नॉर्थ इधर दिखा रहा है साउथ इधर, यानी कि इसका नॉर्थ जो है ऊपर की तरफ साउथ नीचे की तरफ है, तो इस डायरेक्शन में रहता है। तो इस डायरेक्शन से क्या मतलब निकलता है कि जो अर्थ का साउथ पोल है वो ऊपर होना चाहिए और नॉर्थ पोल नीचे होना चाहिए, लेकिन नामकरण ऐसा है नॉर्थ की डायरेक्शन में है तो इसलिए मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं या नॉर्थ सीकिंग पोल, और बिहेव कैसा करेगा बिहेव से साउथ पोल। मैग्नेटिक साउथ जो है इसे हम बोलते हैं साउथ सीकिंग पोल, ठीक है। और ये जो है बिहेव करेगा कैसा नॉर्थ पोल की तरह। इतना बात में कोई दिक्कत? नॉर्थ पोल नो सर। अगर हम इस फिगर को कंसीडर करें और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? ऐसा कुछ मैग्नेटिक साउथ से ओरिजिनेट होगा और मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, ऐसे ही कुछ होगा। ऊपर जो है साउथ तरह था इधर नॉर्थ की तरह, यानी कि ऐसा होगा। यस सर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हम ले रहे हैं ए बी यूज होगा ना, पी नहीं होगा, पी इस पॉइंट को बोल रहे हैं क्यू, ठीक है। यानी कैसे बहुत सारे लाइंस होंगे यहाँ पे, अगर हम बोल रहे हैं ये नॉर्थ पोल है इधर ये साउथ पोल है, ये जो बार मैग्नेट जो हमने बनाया था उसके लिए हम बोल रहे हैं ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें दिखेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिखेगा ऐसा, इस तरीके से हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स साउथ पे हमें दिखेगा कि टर्मिनेट हो रहा है साउथ की तरफ बार मैग्नेट के हिसाब से देखे तो, और नीचे नॉर्थ की तरफ से निकलता हुआ। वही अगर जियोमेट्री के हिसाब से देखें तो नॉर्थ पोल पे जाके खत्म हो रहा है और साउथ पोल से निकल रहा है, ध्यान रहेगा। अच्छा, बार मैग्नेट को हम लोग टांग देखे तो वो कैसा डायरेक्ट करेगा? बार मैग्नेट को फ्रीली टांगोगे तो क्या होगा, उसका नॉर्थ पोल किधर जाएगा? मैग्नेटिक साउथ की तरफ। यस सर, ठीक है ना। मैग्नेट का जो साउथ पोल दिख रहा है, अर्थ का जो मैग्नेट है साउथ पोल दिख रहा है उधर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ नॉर्थ रहेगा साउथ की तरफ साउथ रहेगा। बात समझ आ रहा है? यहाँ पे हम जो नीडल कंपास बोल रहे हैं मैग्नेटिक कंपास, ये भी तो वैसा ही कुछ है। इसका अपर पोर्शन नॉर्थ पोल है, लोअर पोर्शन साउथ पोल, तो इसका नॉर्थ किधर की तरफ है? इधर। इसका साउथ किधर की तरफ है? इधर।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास जो है हमें नॉर्थ की तरफ हमें दिखा रहा है, तो उस समय हमें क्या दिखेगा, क्या ये नॉर्थ डायरेक्शन है, उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो साउथ की तरफ जनरेट हो रहा है। बात समझ आ रहा है? यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये दिखाएगा उसका अपोजिट जो है अर्थ वाला होगा। क्लियर है इतना? यस सर। इतना बात में किसी को दिक्कत? ये 10th क्लास में भी था इतना चीज। मेन आता है यहाँ पे, यहाँ पे फॉर पॉइंट पी देखो, डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर पॉइंट पी की हम बात कर रहे हैं। फिगर में पॉइंट पी जो है उसे अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा अर्थ सरफेस है, लेट से ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है, ये जो है अर्थ सरफेस है, ठीक है। जो पॉइंट पी है वो हमें दिख रहा है कि किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यस सर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये अर्थ सरफेस है। पॉइंट पी पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस पे गिरता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। और अगर हम लोग देखें ध्यान से तो नॉर्थ जो है इधर की तरफ है और साउथ इधर की तरफ है, उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्रॉ किया है। तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स लेंगे तो हमें दो कंपोनेंट्स दिख रहा है, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ। इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट और इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है तो बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये जो हॉरिजेंटल सरफेस से एंगल थीटा बन रहा है तो BH क्या लिख सकते हैं हम लोग, BE cos of theta and BV क्या लिख सकते हैं, B sin of theta। तो ये जो है horizontal component of earth magnetic field and ये vertical component of earth magnetic field and theta जो है इसे बोलते हैं हम लोग angle of tip। ठीक है, या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डीप एंगल या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, या सिंपली इंक्लिनेशन भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि हम इंक्लिनेशन क्या बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है उस चीज को हम लोग बोलते हैं डीप एंगल, एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या सिंपली इंक्लिनेशन। कैसे दे सकते हैं यहां से, अगर फिगर से ध्यान से देखो तो टेन ऑफ थीटा हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, बीवी बाई बी एच। ठीक है, ऊपर जो इक्वेशन आया उसी से लिख रहे हैं ये चीज है। इतना बात में किसी को दिक्कत? नो। ठीक है, तो थीटा निकालना हो तो अगर दोनों कंपोनेंट्स पता हो तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में पॉइंट क्यू ले लो या फिर इधर पॉइंट ले लो, कहीं सा भी पॉइंट लो इन स्फीयर। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारा सरफेस है तो कोई सा भी एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कौन सा पॉइंट ले, क्यू या आर? So, R. R.
ठीक है, आर अगर हम ध्यान से लेते हैं तो ऐसा अगर हम देख रहे हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है, आर पॉइंट है, पॉइंट आर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ दिख रहा है तो नॉर्थ ईस्ट साइड में है और साउथ ईस्ट साइड में है, दिख रहा है, अगर यहां से देखेंगे तो जिधर निकल रहा है उधर ही नॉर्थ है, तो ऐसा दिख रहा है हमें, तो ये एंगल होगा इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, इधर हॉरिजॉन्टल आ रहा है और इधर वर्टिकल आ रहा है। अब दोनों केसेस में यहाँ पे एंगल्स एंगल ऑफ डीपी कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ही कहलाता है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग ऐसे चूज करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है अर्थ का वो हमेशा जो है साउथ टू नॉर्थ ही डायरेक्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज डायरेक्ट्स अलोंग साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, हमेशा जो है साउथ टू नॉर्थ दिखा रहा है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड रखे हैं, यानी कि मैग्नेटिक नीडल रखे हैं, तो हमें किधर की तरफ दिखाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि हम अर्थ सरफेस पे हैं, कोई भी अगर हम मैग्नेटिक कंपास ले लें तो उसका जो नीडल होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल में अगर घूमेगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास सब कोई देखा है, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है ना ग्लास जैसा हॉरिजॉन्टल, ये अगर हम देख रहे हैं कि किसी सरफेस पे रखे हैं इसे, किसी भी हॉरिजॉन्टल, इसमें एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है और एक कंपोनेंट वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट नहीं कर पा रहा है, जो भी रोटेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से अगर हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये जो कंपास होगा इसी वजह से हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ से दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, yes. तो मैग्नेटिक कंपास जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होता है पॉइंट करता है, जिस मैग्नेटिक कंपास जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड का ये नॉर्थ होता है ये साउथ होता है, ठीक है, अगर हम अर्थ मैग्नेटिज्म का देखें तो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या दिख रहा है, साउथ वाला पॉइंट, तो किसे अट्रैक्ट करेगा इसके नॉर्थ को, यहाँ पे लिख दे क्या, ज्योमेट्रिकल साउथ, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल साउथ टू ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ डायरेक्शन में देखो ध्यान से, तो साउथ वाला पोल है हमारा, ठीक है, अगर हम कंपास की बात करते तो ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला जो है यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इन हो रहा है, तो इसमें साउथ वाला किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ उसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा, यस सर, ठीक है, वैसे भी अगर हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इसे अगर हम एक मोनोपोल डाइपोल मान के करें तो ये हमारा MN रिप्रेजेंट कर रहा है और ये MS रिप्रेजेंट कर रहा है, हम जब इसे ऐसा रखेंगे तो MS पे फोर्स इधर लगेगा और इधर, तो ये खुद को कैसा अरेंज कर लेगा मैग्नेटिक डायरेक्शन में, यस सर, ठीक है, तो कैसे भी सोचो अगर हम कंपास को रखते हैं, बोलते हैं दिस इंप्लाइज दैट
कंपास ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक, इसलिए हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहता है और किसी डायरेक्शन में नहीं जाता है। इतना बात में किसी को दिक्कत? नो, ठीक है। इसके बाद डिफाइन होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, उससे आएगा हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है, और फिर उसके रिस्पेक्ट में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे, तो सारी चीजें हैं, तो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल कर सकते हो क्या सब नेक्स्ट क्लास? कल कितने बजे? सुबह कर लो तो ठीक ही है। सर कल मत रखिए, कल कुछ काम है। और क्या सर, कल एक और क्लास है, परसों सुबह रख दीजिए। परसों फिर तो स्कूल ही रहेगा। ठीक है, तो कल टाइम नहीं है किसी? शायद सुबह में हम लोग का हिस्ट्री या क्लास कर शायद, जैसे शाम में कर सकते हो। यस सर। शाम में किसी को कोई दिक्कत है 3:30 से? सर 6 बजे के बाद रख सकते हैं। 6 बजे के बाद कहाँ जा रहे हो कल? सर थोड़ा सा ट्रैवलिंग है इसलिए। ठीक है, जैसे सोच रहे थे कि इसमें थोड़ा सा और बच गया है तो कल खत्म ही कर लेते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म का, थोड़ा सा 10-15-20 मिनट का बचा हुआ है अर्थ मैग्नेटिज्म का, उसके बाद पैरा मैग्नेट ये सब बचा हुआ है, तो सब खत्म हो जाता है, फिर नया चैप्टर शुरू करते ही हैं भाई। ठीक है, फिर छोड़ो तब कल। ठीक है, और सर 5:30 से रख सकते हैं? 5:30 से 5:30 बजे के बाद सर हम भी नहीं रहेंगे, ठीक है, कुछ काम है हमको भी जाना है एक जगह। ठीक है, तो क्या कर रहे थे? हाँ, ये बोल रहे थे कि एनसीईआरटी एक बार चैप्टर 5 पढ़ लेना है, ठीक है, उसमें मोस्टली हो चुका है, कुछ चीजें बची हुई हैं जैसे कि पैरामैग्नेटिज्म ये सब क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, वो सब चीजें थोड़ी बहुत बची हुई हैं, और अर्थ मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, और बाकी आगे की जो भी चीजें हैं सारे थ्योरेटिकल हैं, तो हम यही कहेंगे कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो लिख देंगे, बाकी कुछ उसमें लिखना बहुत पड़ेगा, तो वही एक बार पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हर बात लिखना लिख नहीं सकते हैं, उतना पूरा लिखने में बहुत टाइम जाएगा। क्लियर है? तो हम समझा देंगे और जो जो पॉइंट्स है उसे लिख देंगे, बाकी जितने भी चीजें हैं उसे एक बार पढ़ के समझ लेना, तो एक बार पहले से पढ़ लो, एक बार बाद में पढ़ लेना हो जाएगा, ठीक है, तुम लोग से पहले वाले जितने लोग थे वो लोग तो खुद से ही पढ़ लिए हैं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास तो कल नहीं हो पाएगा, तो मंडे को ही होमवर्क में क्या होमवर्क में पूरा मैग्नेटिज्म ये वाला खत्म करो, दिखते नहीं है उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला सब कर सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, और जो डाइपोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कर लेना, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दे रखी हैं, तो उतना ज्यादा का जरूरत नहीं है, ठीक है, देख के एक बार क्वेश्चन उसमें का बता देंगे कौन कौन से छोड़ने, ठीक है। yes, बाकी चैप्टर 34 हो गया, 35, 36 एचसीबी का, ये दोनों तो हो गया होगा। no, last का बाकी और बुकलेट पूरा करो जहां से करना चाहते हो,
एक्सरसाइज वन का स्टार्टिंग में बेसिक दिया हुआ, पता नहीं सारा करना जरूरी है, कर लेना और क्या। एक्सरसाइज वन का वो जो एक्सरसाइज था, प्रैक्टिस एक्सरसाइज शायद वो हो गया होगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस था। नहीं शुरू किए बुकलेट से, बताइए ना सर क्या क्या करना है। अच्छा तो पहले एचसी वर्मा में ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लो, 36 रहने दो बुकलेट, एक्सरसाइज वन में प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके होगा ठीक है, उसे पूरा 35 क्वेश्चन इसमें है, और एक्सरसाइज टू पूरा इतना कर लो, फिर आगे वाला नेक्स्ट क्लास में ठीक है। सो यस सर, यस सो ठीक है, थैंक यू सर।